जिस रोज मेरी डोली ससुराल के घर के सहन में उतरी, मेरी उम्र 18 साल 4 महीने थी। वालदैन ने मुझे एफए से आगे पढ़ने नहीं दिया क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी थी और लड़के वाले शादी जल्द करना चाहते थे। पढ़ने का शौक मार दिया गया और मैं कॉलेज से निकलकर ससुराल घर आ गई। मेरा ससुराल और मैं का मुतवस्सत दर्जे के घराने थे। खावन ने मुझे दिल से कबूल कर लिया था। इस दवाजी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। पूरा 1 साल हंसते खेलते गुजर गया। सास माओं की तरह और नंदे सगी बहनों की तरह प्यार करती थी। घर का कोई काम नहीं करने देती थी, दिन के वक्त जेवर के बगैर रहने नहीं देती थी और चाहती थी कि दुल्हन बनी फिरती रहूं। मेरा दुल्हा उनका इकलौता लड़का था, इसलिए वो मुझे उसकी लाडली दुल्हन समझती थी। मैं 1 साल तक दुल्हन बनी रही। 2रा साल शुरू हुआ तो मैंने महसूस किया कि सास मुझे गौर से देखती है। एक दिन एक उधेड़ उम्र औरत आई तो सास मुझे कमरे में ले गई और कहने लगी, ये हमारी दाई है, इस बेचारी का यही जरिया मुआश है। अब आई है तो और कुछ नहीं, इससे अपना पेट मलवा लो, कुछ पैसे दे देना, बेचारी दुआ करेगी। मुझे पेट मलवाने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन इसे भी मैंने सास का लाड और प्यार समझकर उनकी बात मान ली। सास कमरे से निकल गई और मैं पलंग पर लेट गई। दाई ने पहले तो मेरे पेट को टटोला, फिर पहलू से दबाना शुरू किया। 15-20 मिनट तक पेट को मल कर वो उठ खड़ी हुई। वो कमरे के दरवाजे की तरफ गई तो मैं भी उठकर उसके पीछे दरवाजे तक आई। सास बावर्ची खाने में थी। दाई को शायद मालूम ना हुआ कि मैं उनके पीछे ही खड़ी हूँ। उसने मेरी सास की तरफ देखकर सर हिलाया, जैसे इशारा किया हो कि नहीं। मैंने सास को देखा, उनका चेहरा उदास हो गया और सर झुक गया। मैं फौरन समझ गई कि मेरा पेट क्यों मलवाया गया है और दाई ने सर हिलाकर सास को क्या बताया है। मैंने दाई को पैसे दिए और अपने कमरे में आ गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि 1 साल गुजर गया है, मुझे अब तक माँ बन जाना चाहिए था, मगर दाई मेरी सास को मायूस कर गई थी। 1 महीना और गुजरा तो दाई एक बार फिर मेरा पेट मलने आई। जाते जाते सर के इशारे से मेरी सास को पहले से ज़्यादा मायूस कर गई। दाई के इशारों ही इशारों में 1 साल और गुजर गया। 3रा साल शुरू हुआ तो सास मुझे एक शाह साहब के पास ले गई। शाह साहब ने एक कागज़ पर उल्टी सीधी लकीरें डालकर कहा कि एक लकीर ज़रा गड़बड़ कर रही है, अल्लाह ने चाहा तो वो भी अपनी जगह पर बहुत जल्द आ जाएगी, अगली जुमारात को फिर आना। सास ने मेरे हाथ से 500 रुपये शाह साहब को दिलवाए। अगली जुमारात आई तो शाह साहब के 500 रुपये और खड़े हो गए, मगर सास खुश ना हुई क्योंकि उनके शाह साहब ने फरमाया कि जिस रूह ने आना है वो अभी सितारों की गर्दिश में भटक रही है, आने में ज़रा देर लगेगी पर आ जाएगी। 2 महीने बाद गली में आवाज़ आई, फाल रमल दलील। सास दौड़कर बाहर गई और रमल फाल वाले को अंदर ले आई। मोहल्लों में रहने वालों को मालूम होगा कि किस्मत का हाल बताने वाले ऐसे वक्त गलियों में आकर रमल फाल दलील की सज़ा लगाते हैं। जब घरों के मर्द अपने काम काजों पर निकल जाते हैं, घरों में औरतें होती हैं, उनकी जहनी मजबूरियों और नफ्सियात को वो अच्छी तरह समझते हैं। औरतों से ऐसी उस्तादी की बातें करते हैं जो बिल्कुल सच मालूम होती हैं। मेरी सास भी उन्हीं औरतों में से एक थी। सास ने मेरा हाथ ज्योतिषी के हाथ में देकर कहा, बाबा जी इसकी गोद कब भरी होगी। ज्योतिषी ने मेरे हाथ की लकीरें देखी, फिर एक किताब खोल कर मुझसे कहा, इन खानों में से एक खाने पर दाएं हाथ की शहादत की उंगली रखो। मैंने एक खाने पर उंगली रख दी। खाने पर जल परी की तस्वीर बनी थी। ज्योतिषी ने 3-4 चकोर टुकड़े उस किताब पर फेंके और बोला, परी जल से निकल आई है, 4 चांद डूबेंगे फिर जल में चली जाएगी, फिर 3 चांद डूबेंगे फिर जल से निकल आएगी, तब जाकर मन की मुराद पूरी होवेगी। चिंता ना कर बीबी, ठंडे दूध को फूके ना मार, जलपरी जल में रहती है, ये बड़ी भागवान है, जल थल कर देगी। 125 रुपया बाबे की हथेली पर रख, बाबा कुछ और बताएगा, बाबे के मन में कभी कभी मौज आती है। ज्योतिषी मन की मौज में 500 लेकर चलता बना, मगर बातें ऐसी बता गया कि सास और नंदों की बाछें खिल गईं। फिर 4 चांद डूब गए, फिर 3 चांद और डूब गए। जल परी ना जल थल ना कुछ और, बल्कि उसी जल में लगता है डूब गई। दाई ने पेट मला, सर का वही पुराना इशारा करके वो भी चली गई। सास का चेहरा उतर गया। इस दवाजी जिंदगी का एक और साल गुजर गया। सास और नंदों का लाड प्यार भी गुजर गया।
लेकिन खावंद के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। एक रोज़ वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया। उसने मुझे चेक किया और 3 दवाइयाँ दी। 15 दिनों का कोर्स था। कोर्स पूरा हुआ तो लेडी डॉक्टर ने मुझे एक बार फिर चेक किया। उसने अलहदगी में मुझसे बहुत सी बातें पूछी, मेरे खावंद के मुतालिक का ये एक सवाल किए। फिर उसने खावंद को बुला कर कहा वो भी किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करा ले। ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम भी अजीब ही होता है, ज़रा सी खराबी के नतीजे बहुत बड़े होते हैं। आपका इलाज हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। घर आकर मैंने खावंद से कहा कि वो भी किसी डॉक्टर से मशवरा कर ले, मगर वो इस तरह भड़क उठा जैसे मैंने उसकी मर्दानगी पर कोई बहुत ही तोहीन आमेज तोहमत लगा दी हो। नुक्स तुझ में होगा, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कि आप अपने मुतालिक खुद कोई राय कायम ना करें, आपकी राय गलत भी तो हो सकती है ना। मेरा कहने का कुछ और मतलब था, मगर वो समझा कुछ और था। उसकी आंखें ठहर गईं, चेहरा जर्द हो गया। मैंने अपनी शादीशुदा सहेलियों को अपने खावंद के मुतालिक ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि मर्द को माँ बहन की गाली दे दो ना तो वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये मशवरा कभी बर्दाश्त नहीं करता कि किसी डॉक्टर से चेकअप करवा ले। उन्होंने बताया कि मर्द की नज़र में हर नुक्स औरत में होता है, अपने आप को वो घोड़े जैसा समझता है। मैंने देखा कि मेरे खावंद का मूड ख़राब रहने लगा था, उसके साथ ही सास और नंदों का सलूक भी बदल गया। खावंद और सास के कहने पर सुसर मुझे एक बार फिर शहर की 2 मशहूर लेडी डॉक्टर्स के पास ले गया। सुबह 1 से मुआयना करवाया और शाम को 2 से। दोनों ने मुआयना करके अपनी अपनी फ़ीस वसूल की और कह दिया कि ये बिल्कुल ठीक है, कोई रुकावट नहीं। अब इनके खावंद का भी चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर से करवा ली। मगर सुसर ने बेटे की वकालत करते हुए कहा कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसे मुआयना करवाने की क्या ज़रूरत है। मैंने वापस आकर खावंद को बताया कि लेडी डॉक्टरों ने क्या फ़ैसला दिया है, तो वो कुछ भी ना बोला, मगर उसके चेहरे का बदलता हुआ रंग बोल रहा था कि उसे ये फ़ैसला सख्त नागवार गुजरा है। मैं पोठोहार के इलाके की रहने वाली हूँ, जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर पहुँच वाले पीरों के मज़ारात और गद्दियाँ हैं। मुझे 3-4 मज़ारों और खानकाहों पर ले जाया गया, वहाँ की खाक और कंकरियाँ खिलाई गईं। करते करते मेरे गले में 4-5 तावीज़ लटकने लगे। सास मुझे गोलड़ा शरीफ भी ले गई और देवल शरीफ भी ले गए। जिंदा पीरों के मज़ार पर भी हाजिरी दी, मगर मेरी किस्मत में एक ही ताना था कि ये तो थोहर का पौधा है जो ज़मीन का सारा पानी पी जाता है, ना फल देता है ना फूल। मुझ पर ऐसे ऐसे तीर बरसने लगे कि शादी की पहली रात और पहला साल एक हसीन ख्वाब की तरह याद बनकर रह गया। फिर मैंने उस ख्वाब को भी जहन से उतार दिया। मुझे दरो दीवार से नफरत होने लगी, खावंद बेगाना हो गया था और नंदे मुँह भी सोरने लगी। सास मुझे इस तरह काम बताने लगी कि तू हमारी और क्या उम्मीद पूरी करेगी, चल झाड़ू लगा या बर्तन ही मांझ दो। इस तरह की ना जाने कितनी दिल बर्दाश्ता बातें लगा लगा कर करने लगी। इस तरह की ना जाने कितनी दिल बर्दाश्ता बातें लगा लगा कर मेरी सास करने लगी। सबसे ज़्यादा मुझे जिस चोट ने अधमुआ किया था वो ये थी कि मुझसे मेरी सहेलियाँ छूट गईं। वो आती थीं या मैं उनके पास चली जाती थी तो दिल का बोझ ज़रा हल्का हो जाता था, लेकिन सभी मुझसे दूर हटने लगी। सबको ये कहकर डरा दिया गया था कि मुझ पर किसी चीज़ का साया है, मैं किसी पीर की बददुआ में हूँ, जिस सुहागन पर भी मेरा साया पड़ेगा उसकी कोख भी सूख जाएगी। मेरे तन बदन में आग लग गई, दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। मुझे एक ख्याल ये भी आया, अगर मैं जवाबी कार्रवाई के तौर पर सास और नंदों के मुँह लगी ना तो मेरे खावंद को भड़का मुझे तलाक दिलवा देंगी। अगर तलाक का ताल्लुक सिर्फ मेरी ज़ात से होता तो मैं परवाह ही ना करती। मुझे अपने माँ बाप का ख्याल आ गया, वो ये सदमा कैसे बर्दाश्त करते। मैंने दिल के शोले दिल में ही रखे, दिल जलता रहा। मैके की एक सहेली ने मेरा साथ ना छोड़ा, वो मेरी हमराज थी, गहरी दोस्ती थी हमारी। इस दवाजी ज़िंदगी के 6 साल मुझे ये यकीन हो चुका था कि अब तलाक के सिवा कोई चारा नहीं बचा। मैं सोचने लगी अगर मुझे तलाक हो गई तो मुझसे कोई भी शादी दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि ससुराल वाले सभी को यही कहेंगे कि मैं बच्चे जिनने के काबिल नहीं हूँ। इन हालात में जब तलाक की तलवार मेरे सर पर लटकने लगी तो मैं सास नंदों की बातों को बर्दाश्त करने लगी।
लेकिन फिर भी आए रोज झक झक होने लगी। मगर हार मुझे ही माननी पड़ी क्योंकि माँ बाप की वजह से तलाक से बहुत डरती थी मैं। एक रोज़ कुछ ज़्यादा ही तू तू मैं हो गई और मैं मैं के घर आ गई कि शाम को खामद आएगा तो वापस आ जाऊंगी। घर आई तो वहाँ ताला लगा हुआ था। मुझे मालूम था कि अगर घर वाले कहीं जाएं तो चाबी साथ वाले घर में होती है। मैं साथ वाले घर गई तो वहाँ उस घर का जवान साल आदमी अकेला था। उसने बताया कि उसकी माँ और मेरी माँ दोनों मेरी खातिर किसी मज़ार पर मन्नत मानने गई हैं। वो आदमी शादीशुदा था, उसकी अपनी बीवी से नहीं बनती थी। उस आदमी से पड़ोसी होने के नाते भी अच्छी खासी जान पहचान थी। उसकी बीवी 6-7 महीने से अपने मैके में थी। वो अपनी बीवी को वापस नहीं लाना चाहता था। उसने मुझे बिठा लिया और अपनी बीवी का रोना रोने लगा। मैंने भी उसे अपनी मुसीबत की कहानी सुनाई। मैंने उसे बताया कि मैं तलाक से बहुत डरती हूँ क्योंकि उससे मेरे माँ बाप को बहुत सदमा पहुँचेगा। कहीं खुदा मुझे एक बच्चा दे दे तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। इस मसले पर बातें करते करते वो आदमी कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफी पर उतर आया। अचानक मेरे इंतकाम और बगावत का शोला उठा। मैंने दिल में सोचा कि मुझे एक बच्चा चाहिए। मेरे खावंद को कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा उसका नहीं है। मेरे कदम डगमगाने लगे। मेरी जज्बाती हालत मेरे काबू से बाहर हो गई। ऐन उसी वक्त उस आदमी ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हें बच्चा चाहिए ना, मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैंने उसकी तरफ देखा, हमारी नज़रें टकराईं तो मैंने उसकी मुस्कुराती आंखों में बच्चे की झलक देखी। मैंने हाथ उसके हाथ से ना छुड़वाया, मगर फिर एकदम मेरे दिमाग में झमाका हुआ कि नहीं, मुझे कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। उसी असना में मेरी माँ और वो उसकी वालदा वापस आ गए और मैं अपनी माँ के घर आ गई। शाम को मेरा शोहर आकर मुझे ले गया। घर जाकर पता चला कि मेरी वालदा किसी एक पीर का पता करके आई हैं और मुझे वहाँ जाना है। वहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार के बाद जब हमारी बारी आई, मेरी सास ने पीर को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। पीर ने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ आइए। वो मुझे लेकर एक कमरे की तरफ गया। अंदर पलंग बिछा हुआ था, उस पर कीमती तकिए और पलंग पोश था। कमरा काफ़ी सजा हुआ था। पीर जल्दी से अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पीर की सेहत काबिले रश्क थी। चेहरा खूबसूरत और लाल था, जिस्म तवाना। उस शख्स के चेहरे और जिस्म में बड़ी कशिश थी। उसने अंदर आते ही मखमूर आवाज़ में कहा, बच्चा नहीं होता, और फिर खुद ही जवाब दे दिया, हो जाएगा। उसने मुझे पलंग पर लेट जाने को कहा। मुझे वो वैसे ही जहर लग रहा था। मैंने खड़े खड़े जवाब दिया कि मुझे तावीज़ चाहिए, मैं यहाँ लेटने के लिए नहीं आई। तो वो हंस पड़ा। अगर शैतान मेरे सामने हंसे तो कसम खाकर कहूँगी कि शैतान उस पीर की तरह ही हंसता होगा, उस जैली पीर की तरह। वो मेरे करीब आया और कहने लगा, तावीज़ भी दूंगा और बच्चा भी दूंगा। उसने मेरा एक बाजू पकड़ लिया। उसे देखकर मैं समझ गई कि जाहिल औरतें क्यों उसकी मुरीदनियाँ हैं। वो मुझे भी उन्हीं औरतों में से एक समझ रहा था। उसके मुंह से सख्त बदबू आ रही थी, नहीं मालूम ये शराब की बू थी या चर्स की। मैं उससे 3-4 कदम दूर हट गई। उसने प्यार से मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुझे ऐसा तावीज़ दूंगा। फिर मालूम नहीं वो तावीज़ की कौन कौन सी करामात बयान करने लगा। मैंने उसे मजीद बोलने ना दिया और गुस्से से कहा कि मैं थूकती हूँ तेरी सूरत और तेरे तावीज़ों पर। मैं अब अपना तावीज़ खुद आजमाऊंगी। मैं गुमराह हो गई थी जो तुम्हारे पास चली आई। उसने ज़ोर से कहकह लगाया और कहा कि ओ पागल लड़की। उसके साथ ही वो अपने पलंग से उठने लगा। मैं तेज़ी से कमरे से बाहर निकली और मुरीदों के बीच से तेज़ तेज़ चलते हुए आस्ताने से बाहर आ गई। मुझे देखकर मेरी सास भी बाहर आ गई, पूछने लगी कि हुजूर ने क्या कहा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे होंठ सिल गए, ज़ुबान में बोलने की ताकत ना रही। मैं शायद खुद भी वो ना रही थी जो उस गुनाह खाने में दाखिल होने से पहले थी। सास कुछ ना कुछ बोलती रही लेकिन मैं चुप रही। शाम के वक्त हम घर पहुँचे तो मैंने सास से कहा कि मैं अपने मैके जा रही हूँ, मैं अपनी अम्मी के घर आ गई। फिर मेरी माँ मुझे देखकर परेशान हो गई। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि अल्लाह करम करेगा, जो होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं रात माँ के घर रही। आधी रात का वक्त था, मैं उस वक्त तक सो ना पाई थी। दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि घरों के अंदर औरतों के साथ कैसी कैसी धांधलियाँ होती हैं।
जिनसे मजबूर होकर औरतें अपनी निजात के रास्ते खुद ढूंढने लगती हैं। उनकी दरपर्दा हरकतें एक ऐसा भेद हैं जो उनके अलावा सिर्फ खुदा जानता है। उन औरतों के खावंद बड़े फख्र से गर्दने अकड़ाए फिरते हैं। घर के सब फर्द उस वक्त गहरी नींद में थे। मैंने वजू किया और अलमारी से कुरान मजीद निकाला और छत पर चली आई। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कुरान पाक फसील पर रखा। छत के ठंडे फर्श पर दो नफल पढ़े। इसी दौरान मैं इतनी ज़्यादा रोई और अच्छी तरह पढ़ भी ना सकी नमाज। नफल पढ़कर मैं कुरान हाथ में लेकर खड़ी हो गई। ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं खुदा से मुखातिब होकर बोली, अगर तेरी ज़ात का वजूद मौजूद है, अगर तेरी किताब बरहक है, तो मुझे अपना आप दिखा, मुझे अपनी किताब का करिश्मा दिखा। फिर मैं खड़े खड़े इतना रोई कि अपना आप संभालना मुश्किल हो गया। मैंने कुरान को अपने सीने से लगा लिया और रोती रही। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर रोती रही, कब नीचे आकर सोई। जब अम्मी ने जगाया तो सूरज निकल आया था। उठी तो ऐसे लगा कि जैसे मेरे अंदर कोई ताकत आ गई है। दिल को अजीब तरह का सुकून था। ऐसे महसूस हो रहा था कि मेरा दिमाग रोशन हो चुका है। कल तक जो तलाक का खौफ मेरी रगो पै में उतरा था, उस खौफ का असर भी जाहिल हो चुका था। मैंने खावंद के नाम एक ख़त लिखा, जिसमें लिखा कि मुझे फ़ौरन तलाक चाहिए, पूरा हक महर वसूल करूँगी, माहवार खर्चा तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी मोहताज नहीं रहना चाहती। अब तुम्हारे घर में नहीं आऊँगी कभी भी। मेरी जो चीज़ें तुम्हारे घर में हैं भेज दो, बेहतर है तुम्हारे लिए, वरना अपनी दूसरी बीवी को दे देना। भाई स्कूल से आया तो मैंने ख़त उसे दे कर कहा कि मेरे ससुराल वालों को दे आओ। जब माँ बाप को बताया कि ख़त में क्या लिखा है, तो उन पर सख्त आसा तारी हो गया। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि जो होगा बेहतर होगा, अगर मेरा खुदा सच्चा है तो हमारी मदद ज़रूर करेगा। ये अल्फाज कहते हुए मैंने महसूस किया कि जिस तरह पहले तलाक का नाम सुनकर मैं कांप जाया करती थी, अब मुझ में दलेरी आ गई थी और कोई गैबी कुवत थी जो मुझे अंदर ही अंदर यकीन दिला रही थी कि अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। 10-12 दिनों में मेरा तलाक नामा बमा हक महर के मुझे मिल गया। मेरे कपड़ों का एक ट्रंक भी आ गया। अलबत्ता जेवर की कुछ चीज़ें वो लोग हजम कर गए। सामान के साथ सास का पैगाम भी मिला। अब देखेंगे सूखे पेड़ से कौन फल हासिल करता है। ये तो थुअर का पौधा है जो ज़मीन का सारा पानी पी जाता है, फल देता है ना फूल। लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं थी, दिल को सुकून था। 5-6 महीने गुजरे तो हमारा वही पड़ोसी जिसके साथ मैं भटक चली थी, उसकी बीवी के साथ उसका इतना झगड़ा बढ़ा कि उसने बीवी को तलाक दे दी। फिर वही पड़ोसी मेरी निजात का सबब बन गया। मैं एक दिन छत पर गई तो वो भी अपनी छत पर मौजूद था। उस दिन के बाद मैं उसे आज देख रही थी। उसे देखते ही मैं नीचे आने लगी तो उसने मुझे आवाज़ दी और कहा, मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा कि आपको मालूम है ना, लोग मुझे थुअर का पौधा कहते हैं, क्या आपको फूल अच्छे नहीं लगते? उसने कहा कि माली का काम है मेहनत करना, फल फूल लगाना मालिक का काम है। मैंने कहा, जाओ मौज करो। उसने कहा कि अकेले अकेले क्या खाक मौज होगी। मैंने उसकी आंखों की ज़ुबान समझी और उसी रोज़ अम्मी से कहा कि उस आदमी से रिश्ते की बात करें। अम्मी अब्बा ने बात चलाई तो 2-4 फेरों में ही बात पक्की हो गई। नहायत खामोशी और सादगी से हमारा निकाह पढ़ा दिया गया। मेरी माँ को अभी तक डर था कि अब क्या होगा, अगर बच्चा ना हुआ तो फिर बेटी घर ना आ जाए। लेकिन खुदा ने अपने नाम और कलाम को सच्चा कर दिखाया। शादी के दूसरे महीने ही मैंने माँ की परेशानी धो डाली और उन्हें खुशखबरी बताई। फिर खुदा ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा। जो पीर औरतों को औलाद अता किया करता था, वो एक रोज़ अपने कुछ मुरीदों के साथ एक बस में सफ़र कर रहा था। बस बेकाबू होकर सड़क से हट गई और उसी रफ्तार से जाकर एक मजबूत दरख्त से टकराई। उसमें 26 सवारियां थीं, मौके पर ही मर गई, जिनमें ये पीर और उसके मुरीद सभी शामिल थे। लोग बताते हैं कि टक्कर इतनी शदीद थी कि बस का इंजन अंदर तक धंस गया था। पोठोहारियों को ये पुराना हादसा ज़रूर याद होगा। बहुतों को तो सुराग भी मिल गया होगा कि वो पीर कौन था। मेरे पहले खावंद ने दूसरी और फिर तीसरी शादी की, लेकिन आज तक बे औलाद है। अल्लाह ने मुझे 3 बेटे अता किए और मेरा सबसे छोटा बेटा इस वक्त 14 साल का है।